वेल गाइस, आप सभी का स्पीडो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को होता भाई, अगर हम बात कर ली सीरियल तेरा मेरा साथ रहेगी, तो भाई यहाँ पर बहुत ही हाई वोल्टेज का ड्रामा आने वाला है, क्योंकि भाई मेकर्स ने एक प्रोमो रिलीज कर दिया और भाई प्रोमो में सीधे सीधे एक न्यू एंट्री के बारे में जिक्र किया है, जो कि है राधिका। अगर गाइस आपने प्रोमो अच्छे से देखा तो भाई प्रोमो में यही बताया गया सीधे सीधे कि जो हमारे सक्षम उनको एक अच्छी सी ज्वेलरी की डिज़ाइन चाहिए होती है, जिसको उनको काफ़ी बेनिफिट हो पाता है। अब भाई गोपिका सारी ज्वेलरी की डिज़ाइन बना तो देती, लेकिन वो सक्षम के पास ले जाते तो सक्षम उसको सीधे सीधे डांट कर वहाँ से भगा तो देता है। लेकिन भाई भाई सेम ज्वेलरी डिज़ाइन गोपिका के जो मोदी परिवार है, सेम ज्वेलरी डिज़ाइन मोदी परिवार में मतलब गेट के थ्रू एंट्री करती, वो भी बलून के सारे। तब भाई यहाँ पर पूरे से सक्षम परिवार जो मतलब मोदी परिवार होता है वो एक कॉल लगाता है, भाई वहाँ पर राधिका नाम का जिक्र किया गया। अब भाई गोपिका भी कंफ्यूज हो जाती कि आखिरकार राधिका है कौन। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ राधिका है कौन। अगर आप तेरा मेरा साथ रह के बहुत बड़े फाले फैन है, तो गाइस आपने आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो ये राधिका ये और कोई नहीं बल्कि हमारी गोपिका यानी जिया माने की है। अब भाई यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी सामने निकल कर आ रही हैं। तो गाइस पहली तो प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जो जिया मानिक हैं भाई, उनके एक जुड़वा बहन है, उसका नाम है राधिका। अब भाई उसकी एंट्री होने वाली है मोदी परिवार में, और भाई अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि अगर ऐसा होता है कि जो गोपिका की जुड़वा बहन है उसकी एंट्री होती है राधिका के तौर पर, तो भाई काफ़ी शो में इंटरेस्ट और ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। अब भाई दूसरी प्रोबेबिलिटी ये सामने निकल कर आ रही है कि भाई गोपिका को सक्षम परिवार की हेल्प तो करनी है, लेकिन भाई आपको जैसे प्रोमो में देखा है कि सक्षम सीधे मना कर देता है गोपिका की हेल्प लेने से, तो भाई इसीलिए गोपिका ने भाई एक आइडिया लगाया कि क्यों ना ऐसा करूं मैं कि मोदी परिवार की हेल्प भी हो जाए और उसमें मेरा नाम भी ना आए। तो गाइस इसीलिए भाई गोपिका ने कुछ ऐसा मतलब आइडिया लगाया, एक राधिका नाम, एक न्यू कैरेक्टर के बारे में सोचा, जिसके कारण से भाई मोदी परिवार की वो हेल्प भी कर दी जाए और भाई गोपिका का नाम भी ना, और सक्षम जी बहुत सारा बेनिफिट भी कमा लें। अब भाई शो में जो भी होता है, एक बात तो क्लियर है कि भाई जो राधिका है वो जिया मानिक ही है। अब भाई ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो जिया मानिक राधिका का किरदार है वो क्या मतलब सच में गोपिका की जुड़वा बहन है, या फिर ये हमारी गोपिका है, उन्होंने ही सारे के सारे आइडिया लगाए मोदी परिवार की हेल्प करने के लिए। अब भाई जो भी होता है शो में काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, अगर भाई मेकर्स कुछ ना बदलाव करें, क्योंकि भाई जो आवाज़ है वो तो सीधे जिया माने की। भाई ऐसा मत करना कि आवाज़ तो जिया माने की करवाती है और लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए, अब भाई यहाँ पर आप सीधे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री भी करा दो। तो क्या जो भी होता है शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने, प्लीज़ तेरा मेरा साथ रहे वॉच करिए, और भाई अपकमिंग एपिसोड के जो अपडेट होते हैं उनको जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।